दुनिया नमस्ते ठीक है। हाँ ठीक है। अरे मामा जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल ठीक है। मामा मा सब खौरियात है कि खौरियात है कह दिया सब ठीक है। हाँ यहाँ बैठे हुए बहु एक बात बताओ। कौन सी बात है? गोपाल जब एक बात कहना हमारे देवर हमका बहुत मानत है बहुत मानत है तो सर जी अभी कहते हो मुझे बहुत मानते हैं। अगर मैं मानत होती अब इनके पते मुझसे तो कोई भी सलाह नहीं। अरे न्यायालय का रिपोर्ट तैयार है और यहाँ पर भी जान लियो 12 वर्षों के बाद ही आओ। ये तो 12 वर्ष के बाद में कर दिया थी। अब तुमसे 14 न्याला देखे जाते हैं तुम बात हमारे दियावर हमका बहुत ठीक है कच्चे बात है तो मैं खुद ही बुला करके अवश्य पूछूं। यही तैयारी बनाओ इन गलवा कबर मुड़न न रही ठीक है। मैं अगर वो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी और लाल इंदल का मुंडन भी कराऊंगी ठीक है। अगर मेला देखे ना गए तो जान लो हमारे महीने नहीं बाबा जी जाऊंगी ठीक है। मामा जी अच्छी बात है तो उजरा से अवश्य बुलाओ अभी बुलाते जाओ दरबार में उजराज को बुला करके मेरे पास लाओ। बाबू जी के चलो उन्हें आजकल प्रणाम सिखाओ। बाप से आप ये मुझे कुछ शंका ही लगता है आप कहीं जा रहे क्या? आखिर भाभी माँ ऐसी कौन सी बात हुई क्या सर करके जा रहे भाग विदे आपको चलता
तो आप घबराओ नहीं, मैं खुद उनसे इजाजत लेकर के आऊंगी, तब भी साथ में चलना। कोई तो बाकी बात नहीं, ठीक है जाओ, चले आओ, तैयारी बनाए और मैं खुद उन्हें बुला करके अवश्य पूछूंगी। कोई अच्छी बात रोटन, देखो भाभी जा रहे भैया के पास, अगर भाभी की इजाजत मिल जाएगी तो सामान बढ़ा लेना थोड़ा, क्योंकि भाभी उनका भी साथ में जाएगा। जी हाँ जी हाँ, बढ़ा लीजिए भाभी जी, आप जाइए भैया के पास। क्या बात है रूपन? नमस्ते, नमस्ते। जय गोपाल जी, भैया ये बताओ भाभी जिस चीज से सब लोग जाओगे उसी का हम लोग पैदल यात्रा करेंगे पैदल, क्योंकि 12 वर्षों के बाद आता है और हम लोग यहाँ से पैदल ही यात्रा करेंगे। मैं लाल लिंगन का मुंडन कराऊंगी और मुंडन हाऊंगी। चल हम लोग इंतजार करते हैं भाभी का, और भाभी जी बताओ बड़े भैया तुम्हारे हैं कहाँ? बड़े भैया राजमहल में बैठे हैं, बाबा बैठे होंगे, ठीक है मैं उनसे इजाजत लेकर के अभी आती हूँ। ठीक है भाभी, चलिए कल अगर इजाजत मिल जाएगी आज तो हम पर धूमधाम से इंदल का मंडल कराएंगे आज। कहिए भैया कि राम जी जब चले जनकपुरी राम जी जब चले जनकपुरी पे सारी कथिया पार्टी की तरफ से अलग अलग धन्यवाद।